नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ बोल्ड स्काई किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्र के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, इसे कंजक पूजन भी कहते हैं। इस दिन कन्याओं को माता के नौ रूप मानकर कंजक पूजा की जाती है। कंजक पूजा के लिए कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख होता है सूजी का हलवा, पूरी और चने का प्रसाद। तो आइए जानते हैं कि आप इन्हें कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम सूजी का हलवा बनाएंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई लें और हल्की गैस जलाकर गर्म करें और अब उसमें थोड़ा सा देशी घी डालें और कलछी की सहायता से चलाते हुए सूजी भूनें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सूजी गुलाबी होने लगती है। सूजी को लगातार चलाते रहना है जब तक वो अच्छे से भुन न जाए। जब सूजी का रंग सुनहरा हो जाए तब समझिए कि वो भुन चुकी है। इसके बाद इसे कढ़ाई में से निकाल लीजिए। इसके बाद कढ़ाई में दोबारा से दो चम्मच घी डालिए और फिर उसमें पानी, चीनी और इलायची डालकर उबलने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही पानी उबल जाए उसमें सूजी डाल दीजिए। जब सूजी ठीक से पक जाए और हलवा रवादार हो जाए तो गैस बंद कर दें और ड्राई फ्रूट्स को उसमें डाल दें। साथ ही लास्ट में उसमें घी जरूर डाल दें और गर्मा गर्म सर्व करें। अब जानते हैं पूरी बनाने की विधि। सबसे पहले एक बाउल में आटा लें, उसमें आधा कप सूजी डाल दें, फिर उसमें थोड़ी सी अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और एक बड़ा चम्मच देसी घी डाल दें। सबको मिलाकर अच्छी तरह से आटे को गूंद लें। अब आटे को लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख दो ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर हल्के हाथ से पूरी बेलें। और गर्म घी में डालकर सुनहरे होने तक सेकें। इसी प्रकार से सभी पूरियां बना लें और गर्मा गर्म सर्व करें। अब जानते हैं कि प्रसाद का काला चना कैसे बनाया जाता है। काले चने का प्रसाद बनाने के लिए चनों को एक रात पहले किसी बर्तन में भिगोने रख दें। दूसरे दिन सुबह होने पर कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक उबालें, जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाएं। जब ये चने ठीक से उबल जाएं, तो उन्हें चावल छानने वाली छन्नी में निकाल लें और पानी को निथार दें। इसके बाद कढ़ाई में देसी घी डालें और गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालकर फ्राई करें। उसके बाद उसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें और धीमी गैस करके स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरीके से भून लें। टमाटर को तब तक भूनें जब तक इस पे घी ना उतर आए। इसके बाद इसमें काले चने डाल दें और मिला लें। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। इसके बाद इसमें हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म सर्व करें। तो इस तरीके से आप हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाकर कंजक पूजन कर सकती हैं। फिलहाल बोल्ड स्काई के इस वीडियो में इतना ही। और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बोल्ड स्काई।